अस्सलाम वालेकुम। आज मैं स्ट्रॉबेरी सॉस की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। उसके इंग्रेडिएंट हैं 1 कप स्ट्रॉबेरी होनी चाहिए, अभी थोड़ी सी 1 कप से कम है ये, लेकिन बाकी चीज़ें मैं उसके हिसाब से बताऊँगी। 1 कप के हिसाब से 1 कप स्ट्रॉबेरी और 2 टेबल स्पून इसमें कॉर्नफ्लावर डलेगा, 1/3 कप चीनी डलेगी। अब इसको स्ट्रॉबेरी को पहले ग्राइंड कर लेती हूँ मैं, उसके बाद फिर इसको दिखाती हूँ कि इसमें आ गया और क्या करना। ये देखिए इसको मैंने ग्राइंड कर लिया। अब इसको इस पैन में डाल के थोड़ा सा इसमें पानी डालेंगे। तो इसको चूल्हा जला के इसमें चीनी इसमें साथ ही डाल देते हैं, और जब ये बॉईल होने लगेगा तब इसमें कॉर्नफ्लावर ऐड करेंगे। इसमें कॉर्नफ्लावर भी ऐड कर सकते हैं या कॉर्न सिरप भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन कॉर्न सिरप जो है वो हमेशा हर जगह घर पर नहीं होता है, तो कॉर्नफ्लावर अवेलेबल होता ही है घर में, तो उससे बना लेते हैं। और ये जब चीनी और ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा तो उस स्टेप पर इसको मैं थोड़ा सा इसमें से निकाल के रख लूँगी। उसको फ्रीज करके रख सकते हैं, कभी किसी स्मूदी में डालना हो या चीज़ केक में डालना तो उस स्टेप में इसको फिर इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अभी बस जैसे ही बॉईल होता है तो फिर इसमें कॉर्नफ्लावर ऐड करते हैं। ये देखें ये अब बॉईल होना शुरू हो गया, हम इसमें कॉर्नफ्लावर डाल देते हैं। और इसको अगर स्मूदी के लिए इसको अगर सेव करके रखना है तो इस स्टेप पे इसको थोड़ा सा और पका के थोड़ा सा गाढ़ा करके स्मूदी में या चीज़ केक में डालना, तो इसको इस स्टेप पे थोड़ा सा और पका के और फिर इसको अलग से निकाल लें और इसकी क्यूब जमा के रख लें। लेकिन अभी मैं इसको इसकी सॉस बना रही हूँ, तो इसको बस इसमें कॉर्नफ्लावर डाल देते हैं। थोड़ा सा इसमें से मैं निकाल के बता देती हूँ कि इस स्टेप पे इसको निकाल के रख लें, मैं दिखाई देती हूँ। थोड़ा सा ये और पक जाए ज़रा, तो फिर उसको किसी भी स्मूदी में भी यूज़ कर सकते हैं और चीज़ केक में यूज़ कर सकते हैं, या फ्रूट योगर्ट बनाने हो तो उसमें भी यूज़ कर सकते हैं। बाकी रह गए इसमें कॉर्नफ्लावर अब ऐड कर लेते हैं। कॉर्नफ्लावर डाल के और इसको फौरन मिक्स करें, जैसे ये गाढ़ा होगा तो बस ये तैयार है। फिर अब ये थोड़ा सा वाइट सा हो गया, जैसे ये थोड़ा सा जब पक जाएगा तो इसका कलर खुद ब खुद चेंज हो जाएगा। और अगर इसको ग्राइंड करने के बाद छानना चाहें तो इसको छान भी सकते हैं, लेकिन मैंने इसको नहीं छाना था क्योंकि वो तकरीबन मिक्स हो ही गई थी सारी चीज़ें उसमें। ये देखिए गाढ़ा होना शुरू हो गया। ये देखिए ये तैयार है। इसमें मैंने थोड़ा सा रेड फूड कलर डाला क्योंकि वो स्ट्रॉबेरी का कलर थोड़ा सा फीका था, वरना तो अच्छी जब अगर रेड होती तो कलर की ज़रूरत नहीं पड़ती है उसमें। लेकिन इसमें अगर फूड कलर डालें तो अच्छी क्वालिटी का डालना है, फूड ग्रेडेड जो फूड कलर हो वो डालें। तो बस अब ये अच्छी इसकी थिकनेस भी हो गई है, अब ये इतना गाढ़ा है ये सॉस जो है, अब इससे ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है क्योंकि ठंडा होने के बाद मज़ीद और गाढ़ी हो जाएगी ये सॉस। बस अब इसको अब इसमें कंटेनर में डाल इसका मेसन जार में डाल देती हूँ मैं। और ये जिस बोतल में शीशे की बोतल में ही रही गई, लेकिन वो बिल्कुल धुली हुई हो और खुश्क हो और फ्रिज में ये सॉस जो है आराम से
एक महीने तक बिल्कुल ठीक रहती है, तो इसको बनाइएगा ज़रूर। अभी ठंडी हो जाएगी तो फिर मैं इसको आइसक्रीम के ऊपर सर्व करके दिखाऊंगी। ये सॉस को मैंने इसमें डाल दिया, अब ये ठंडी हो जाएगी तो इसके बाद फिर मैं इसको आइसक्रीम पे सर्व करके दिखाऊंगी। ये स्ट्रॉबेरी सॉस भी तैयार है, इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लें, और इसको भी ठंडा ही डाल सकते हैं, इसको गर्म करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें चाहें हल्का सा मैंने कलर डाला था क्योंकि स्ट्रॉबेरी सा कलर थोड़ा सा लाइट था, अगर चाहें तो रेड फूड कलर इसमें ज़्यादा भी डाल सकते हैं, वरना इतना कोई ज़रूरी नहीं है। और इसके भी अब ट्राइपल्स वगैरह बनाऊंगी मैं, तो उसकी और रेसिपीज़ भी बता दूंगी। तो ये तैयार है, और ये अब सॉस जो है ये 1 महीने तक फ्रिज में बिल्कुल ठीक रहेगी। ये देखेंगे सारी सॉसेस हमारी तैयार हो गई हैं, अब इंशाल्लाह इसके साथ अभी और आगे में और काफ़ी सारे गर्मियाँ आ रही हैं तो उसके साथ डेजर्ट्स मैं बताऊँगी। ये स्ट्रॉबेरी सॉस है, ये ब्लूबेरी है, ये पाइनएप्पल सॉस है, इसको गर्म करके ही डालेंगे, हल्का सा गर्म डालेंगे तो उसका बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। कैरमल और चॉकलेट सॉस है, इसको भी हल्का सा गर्म करके डालेंगे, और ये चॉकलेट सॉस है। तो इन इसके साथ आगे और भी बहुत सारे मैं डिज़र्ट्स बनाना सिखाऊंगी, तो इसको बनाइएगा ज़रूर, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी।